विराट कोहली एक ऐसा भारतीय खिलाड़ी जिसने T20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी और भारत को हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें 140 करोड़ भारतवासियों को जीतने का जश्न मनाने का मौका दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले T20 विश्व कप में मिली शर्मनाक हार का बदला अकेले ही चुकता कर लिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और 90,000 से अधिक क्रिकेट प्रशंसक मुकाबले को देख रहे थे। अंतिम 3 ओवर में भारतीय टीम को 48 रन की दरकार थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की जीत सुनिश्चित हो गई है। लेकिन विराट कोहली कभी हार ना मानने वाले खिलाड़ी हैं। इस खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को अंतिम गेंद पर जीत दिला दी और कई रिकॉर्ड भी बना डाले। ऐसे में चलिए एक नज़र डालते हैं विराट कोहली द्वारा बनाए गए 5 रिकॉर्ड्स पर। पहला, एक टीम के खिलाफ 500 रन बनाने का रिकॉर्ड। T20 विश्व कप के इतिहास में विराट कोहली अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने एक टीम के खिलाफ 500 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन की नाबाद पारी खेलकर विराट कोहली ने यह बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। विराट कोहली के नाम और पाकिस्तान के खिलाफ 501 रन दर्ज हैं। इस मामले में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी AV डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 458 रन बनाए थे। दूसरा, ICC द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 50+ रन। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि विराट कोहली विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज क्यों कहे जाते हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला ICC टूर्नामेंट साल 2009 में खेला था और तब से यह खिलाड़ी 24 बार 50 या उससे अधिक रन बना चुके हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जिन्होंने ICC द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में 23 बार 50 या उससे अधिक रन बनाए थे। तीसरा, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। पाकिस्तान के खिलाफ इस बेहतरीन पारी की बदौलत विराट कोहली अब T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। विराट ने 102 पारियों में 52 की औसत और 138+ से अधिक के स्ट्राइक रेट की मदद से 3,784 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली से मात्र 53 रन पीछे हैं। चौथा, T20 अंतर्राष्ट्रीय में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी। 5वें विकेट के लिए विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने 113 रन की शानदार शतकीय साझेदारी निभाई जिसकी बदौलत भारतीय टीम मैच में वापसी कर पाई। यह किसी भी विकेट के लिए भारत के पाकिस्तान के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ 97 रन की साझेदारी की थी। 5वां, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच का खिताब। T20 अंतर्राष्ट्रीय और T20 विश्व कप के इतिहास में विराट कोहली सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच चुने जाने वाले खिलाड़ी हैं। खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच खिताब जीतने के बाद ही उन्होंने यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने मोहम्मद नबी के 13 बार मैन ऑफ द मैच खिताब जीतने के रिकॉर्ड को भी तोड़ा और रिकॉर्ड 14वीं बार यह खिताब जीत लिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में विराट कोहली का यह 6ठा मैन ऑफ द मैच खिताब है और यह किसी भी खिलाड़ी का किसी भी टीम के खिलाफ सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाती हूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में भारत को ट्रॉफी दिलाने में विराट इसी तरह अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।